से जैसा कि उसके माँ का आरोप है बच्चियों के माँ की, तो बच्ची की मौत हो गई है भूख से, उसके माँ का कहना है अधिकारी का कहना की जाँच है, आप क्या प्रतिक्रिया दीजिए? देखिए, हमें आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सूचना भी प्राप्त हुई है कार्यक्रम के बीच में, और ये बहुत ही दुखद है कि दो बच्चियों की भूख से मृत्यु हो गई है, जिस तरह से उनके परिजनों का कहना है। और ये लगातार जो है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि झारखंड में भी इस तरह का हादसा हुआ था, जहाँ भूख से व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो लोग दावा करते हैं विकास का, प्रशासन का, सुशासन का, ये पूरी तरीके से आप दिखलाता है कि ये पूरी तरीके से जो डबल इंजन जो बिहार में है, जो चोर दरवाजे से आई हुई डबल इंजन, इनका विकास और गरीब की गरीबी को दूर करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लान नहीं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता को बचाने का और अपने कुर्सी को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। इनको चार साल में चार बार सरकारें अलग अलग बनेंगी तो विकास कैसे होगा? और अगर आज जब हम 21वीं सदी में हैं, आज अगर हम लोग देखने का, अगर इस तरह का काम आता है सामने, अगर हादसा आता है जो बच्चियां जो भूख से, तो ये साफ असर जो सरकार का जो है पोल खोलने का काम करता है कि ये जो सरकार जो है सक्षम नहीं है गरीबी को दूर कर देंगे, और ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया। और इसको लेकर के अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हम बात करेंगे और पूरी घटनाओं की जो जांच हो और जो भी दोषी हैं उसको सजा मिलाए, और हम कोशिश करेंगे कि एक पार्टी की एक कमेटी भी गठन किया जाए, और जहाँ